क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन भारत ने इसमें भी सियासत और मफाद परस्ती का जहर घोल दिया। उसकी कोशिश है कि इस खेल में मनमानी करे और सब उसके इशारों पर नाचे, जिसके साथ दिल चाहे खेले और जिसे मर्जी हो इनकार कर दे। घर के शेर कहलाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को तो ये सूरतेहाल बहुत ही सूट करती है। शायद इसीलिए वो अपने मुल्क में भी पाकिस्तान का सामना करने से गुरेजा है। पाकिस्तान पेशकश कर चुका है कि वो भारत के खिलाफ अपनी होम सीरीज किसी भी मुल्क में खेलने को तैयार है, यहाँ तक के भारत में भी। लेकिन दूसरी तरफ है, हाँ देखेंगे, अच्छा सोचते हैं के अलावा कोई जवाब नहीं मिल रहा, यानी अपना ही दिल ना चाहे तो बहाने हजार हैं। पाकिस्तान ने भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की, लेकिन हमेशा मुस्बित नतीजे के लिए, चाहे ज़ियाउल्लाह का दौर हो या वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरा। पाकिस्तानी हुकूमत और बोर्ड की यही कोशिश रही कि पाक भारत क्रिकेट के मैदान सजते रहें, लेकिन दूसरी तरफ से खाल-खाल ही मुस्बित जवाब सामने आया। अब भारतीय हुक्मरानों और BCCI को राह रास्त पर लाने का बीड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उठाया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा, जिसके जवाब में BCCI के चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने भी पता नहीं किस दिल से इन्हें भारत आने की दावत दे डाली। उम्मीद की जा रही है कि चेयरमैन PCB दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भारत का दौरा करेंगे। ज़का अशरफ खुद तो पुरउम्मीद है, लेकिन भारत में इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे अहम है हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें, जो भारत को पाकिस्तान का सामने करते नहीं देखना चाहती। फिरोज शाह कोटला की पिच खोदने वालों को डर है कि इनकी टीम पाकिस्तानी शहनों के सामने ठहर नहीं पाएगी। अमन बराबरी के साथ के लिए हम्माद अहमद, आज न्यूज। Take it.